गोपेश्वरनाथ मंदिर भगत कॉलोनी में पड़ने वाला हर साल की तरह इस बार भी अन्नकूट का भंडारा जबरदस्त चल रहा है, देखा जा सकता है। गोपेश्वरनाथ मंदिर भगत कॉलोनी बुराड़ी दिल्ली से देख रहे हैं हर का सहारा टीवी चैनल लाइव। एक बार फिर आ गया हारे का सारा टीवी चैनल गोपेश्वरनाथ मंदिर भगत कॉलोनी बुराड़ी से लाइव दिखा रहा हूँ। आदेश भगत जी, बहुत लंबे समय के बाद ये घड़ी आई है, लोगों की सेवा करने का, लोगों का अनुष्ठान करने का मौका मिला है। कोरोना की बीमारी थी, अभी भी देश जो है जूझ रहा है बीमारियों से जी। इस मौके पे जो अनुकूल का हर साल आपका कार्यक्रम रहता है, इसमें संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान की, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है जी, हम सब पे जो एक इतनी बड़ी महामारी से हम लोग जीते हैं। बिल्कुल, आज इतनी बड़ी महामारी से हम लोग जीते हैं और सब्जी मिलजुल के खा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है। जो जिस धर्म को मानता है उसको उसकी ऐसी कृपा है, और ये धर्म यही सिखाता है कि आपस में जोड़ना ना कि तोड़ना, चाहे किसी का धर्म है जोड़ना। और सनातन धर्म तो हमेशा सदैव एक दूसरे को जोड़ता है। अब ये मालूम नहीं है कौन किस जाति का है, किस प्रांत का है, कहाँ रहता है, हमारे यहाँ बिना भेदभाव के भंडारा चल रहा है मंदिर में। तो मतलब ये कार्यक्रम आज किस समय शुरू हुआ था, क्या क्या हुआ आज? आज सुबह 8 बजे से प्रोग्राम था जागरण का, कीर्तन का, ठीक है, 11 बजे तक। 11 बजे के पश्चात फिर गोवर्धन पूजा जी, गोवर्धन पूजा थी। तो 11 बजे के बाद में जब गोवर्धन पूजा, उसके पश्चात में जैसे भोग लगा फिर भंडारा चालू हो गया। ये भंडारा कब तक चलेगा? अभी भंडारा क्या बात है भगत जी, बहुत अच्छा है। गोपेश्वरनाथ मंदिर से लाइव हारे का सारा टीवी चैनल, अभी आप सुन रहे थे आदेश भगत जी के, इनका कहना है कि धर्म है हमेशा जोड़ना सिखाता है, आपस में प्रेम भाव सिखाता है, यही हमारा देश की बड़े लेवल का एक कार्यक्रम हर साल आपके यहाँ होता है। कितने दिन पहले तैयारी रहती है आपकी? हमें इसकी तैयारी कई दिन पहले करनी पड़ती है, क्योंकि बीच में त्योहार दिवाली का आ जाता है, इसमें स्कूल सबका बिजी है, बहुत बड़ा स्कूल होता है। लेकिन हमारी पिछले 20 वर्ष से दिवाली यही है। क्या बात है, 20 वर्ष से लगातार एक कार्यक्रम चल रहा है। हम घर नहीं जाते, अगर घर जाएंगे तो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। अमूमन आपने देखा होगा कि भोग भंडारे कहीं भी होते हैं 2 बजे के बाद चलते हैं। जी जी, 2 बजे के बाद चलेंगे, क्योंकि सब कुछ लेट बनता है। हमारे यहाँ भोग लगता है 10:30 बजे, तो हमारी ड्यूटी यही रहती है कि 10:30 बजे भोग लगे, उस हिसाब से रात को ही लगे रहते। गोपेश्वरनाथ मंदिर से लाइव देख रहे हैं हारे का सारा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मंदिर जो धर्म कर्म के काम कर रहा है, तमाम लोग इसका फायदा ले सकें। देखते रहिए हारे का सारा टीवी चैनल। के लिए भगत जी आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है। इस प्रकार कार्यक्रम जब तक आपका जीवन रहे ऐसे ही करते रहें। सबके साथ चलना है, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ये तो समाज के लिए, सबके लिए है जी। आपकी टीम में कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? ये तो सही से नहीं बता सकता, लेकिन मुझे यहाँ की पूरी कॉलोनी श्री रामपुर में बैठा के रखी। क्या बात। और आपका मैं जैसे बात के चलो, कौशिक से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी विहार से बहुत लोग जुड़े हुए हैं,
मैं तो प्रॉपर कुरवाड़ी का हूँ, कुरवाड़ी से तो सब जुड़े ही होंगे। जी जी, तो जैसे आपसे प्यार प्रेम है सबसे, और हम ये कहेंगे बना रहे ठाकुर जी कृपा, सब में असीम कृपा पड़ी रहे, सबका घर जो है भोग भले भूले, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले, हम ऐसे भोग भंडारे करते रहे और आप सबसे जुड़े। बहुत बड़ा संदेश आपने देश के लिए दिया है कि ऐसे ही लोग जो हैं खुशहाल रहें, जीवन खुशहाल रहे, ऐसे ही भंडारे भगवान चलाता रहे, उसकी कृपा सभी बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हर के सारा टीवी चैनल से बात करने के लिए भक्ति। क्या नाम है आपका? प्रभु हमें मत लो इसमें। प्रभु हमें बोलना आता नहीं है, बस ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जैसे कैसे भी आप लोगों के आशीर्वाद। अभी मैं भगत जी से बात कर रहा था, पिछले 20 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है बड़े लेवल पर, धर्म का काम चल रहा है, भंडारा चल रहा है गोपेश्वर मंदिर में जी। कैसा लगता है आपको सेवा करते हुए? सर ये तो सौभाग्य है हमारा, आप लोगों का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है जी, जो हमें ऐसा अवसर मिलता है सेवा का कृपा से, और क्या बताएं सर, बहुत बढ़िया। बाकी इससे अधिक हमें बोलना नहीं आता सर, जैसी ठाकुर जी की इच्छा है उन्हीं की इच्छा के अनुसार प्रोग्राम होते रहते हैं। अब सर आने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं हरे का सहारा टीवी चैनल लाइव। गोपेश्वरन मंदिर के अनन्य भक्तों में से, सेवकों में से हैं दीपक त्यागी जी। हर साल ये कार्यक्रम चलता है और हरे का सहारा टीवी चैनल भी यहाँ हर साल हाजिरी देता है। हर साल आप अच्छा अच्छा संदेश देते रहे। इस साल आप 2021 में देश जो है तमाम बीमारियों से गुजरा है, इसके बाद में इतना अच्छा भंडारा बाबा की कृपा से चल रहा है, कुछ कहेंगे क्या कहेंगे सर? अभी हमारे यहाँ तो 25-30 साल से लगातार भंडारे की सभी सेवा चलती रही है, लेकिन बीच में कुछ पता नहीं ठाकुर जी की जैसी इच्छा थी कि 2 साल से थोड़ा प्रोग्राम में ये कोरोना की वजह से थोड़ा व्यवधान पड़ गया था, उसके बाद भी हम छोटी सेवा चलती रही हमारी मंदिर की जो कि रेगुलर अवेलेबल पर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जैसे थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छे लेवल पर किया है, फिलहाल कोरोना भी जैसे थोड़ा शांत हो गया है, माहौल भी थोड़ा ठीक है, तो ठाकुर जी कृपा से उत्सव थोड़ा भी अच्छे लेवल पर किया है। वैसे भजन हुए हैं पहले, फिर गोवर्धन पूजा हुई है, अब उसके बाद सभी भक्त प्रसाद मारे भंडारी सेवा चलेगी, जैसे ठाकुर रूप में चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारा टीम का। सेवा में इतना लगे रहते हैं कि जैसे ठाकुर जी कराते रहे, अपना सेवा में लगे रहे, तन मन धन से जैसे मिलते हैं अपनी सेवा करते हैं। आपका तो लगता है, हम देख रहे हैं कि सारा परिवार ही पूरा सेवा में लगा हुआ है। बिल्कुल, पूरा परिवार जो जो हमसे जुड़े हुए हैं, सभी को ये कहते हैं कि ठाकुर जी को नजदीक रहो, सेवा जितने उपाय बंद करते हैं, ताकि सभी अपना अच्छे से जुड़े रहेंगे, धर्म से लगा रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं इस मंदिर में आज आप? कैसे कैसे सेवा चल रही है आपकी? सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। देखते रहिए हारे का सहारा टीवी चैनल लाइव, आज गोपेश्वर मंदिर भगत कॉलोनी बुराड़ी दिल्ली से। एक मिनट हम निकल जाए, बाहर तक लेना पड़ता। I'm not afraid.
Yeah.
देखते रहे हारे का सहारा टीवी चैनल।